हेलो दोस्तों, हॉलीवुड मूवीज़ के ऊपर हमने एक और चैनल शुरू किया है, वाव मूवीज़। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे चैनल को ग्रो करने में हमें आपकी हेल्प मिल जाएगी। इस फिल्म की शुरुआत होती है यहाँ के पुलिस ऑफिसर अर्ल से। अर्ल दरअसल टेक्सस के इस इलाके का पुलिस ऑफिसर है, पर इन सब के साथ ये बड़ा रंगीन मिजाज है। आजकल उसका अफेयर चल रहा है मिस मोना से। ये अफेयर आज से नहीं चल रहा। मोना जब मैं 16 साल की थी तब से अर्ल और मोना की नज़रें मिली और दोनों ने एक साथ अफेयर करना शुरू किया। अब आप पूछेंगे मोना कौन है। बात तब की है जब 1910 का समय चल रहा था। मिस वुला कुछ खूबसूरत लड़कियों को लिए यहाँ पर आई थी। वो इस महल में रहने लगी। ये लड़कियाँ इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उन्हें देखते ही उनके अंदर काम वासना जागृत हो जाती थी। मिस वुला ने इस जगह को वैश्यालय बना दिया। हर तरह के मर्द यहाँ आने लगे और यहाँ पर गपागप का सुख पाने लगे। इनमें मिस मोना भी थी। मोना को यहाँ का पुलिस ऑफिसर अर्ल पसंद था, इसलिए दोनों ने साथ में गपागप करना शुरू कर दिया। अर्ल इस वैश्यालय को प्रोटेक्शन देता है और इस वजह से वैश्यालय आज तक चल रहा है। मिस वुला तो मर गई, पर मिस मोना को ये जिम्मेदारी देकर चली गई कि वो इस वैश्यालय को चलाती रहे। ये वैश्यालय होने के साथ साथ पोल्ट्री फार्म भी बन गया। कुछ समय पहले हुआ कुछ यूँ कि कस्टमर्स के पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो मुर्गे लेकर आते थे। जो एक चिकन लाएगा उसे एक लड़की मिल जाएगी संभोग करने के लिए। इस तरह धीरे धीरे यहाँ पर मुर्गियाँ इकट्ठा होने लगी और ये पोल्ट्री फार्म बन गया। इस वैश्यालय का नाम भी तब से चिकन रैंच रखा गया है। यहाँ दूर दूर से और कई तरह के लोग आते हैं। आर्मी वाले, पुलिस वाले, फुटबॉल प्लेयर्स, हर कोई यहाँ आता है और गपागप का सुख पाता है। यहाँ की लड़कियाँ अपने कस्टमर्स का बड़े अलग तरीके से वेलकम करती हैं। गानों पर डांस करती हैं, खुद भी गाती हैं और इस तरह मनोरंजक तरीके से अपने कस्टमर्स को लुभाती हैं। अर्ल के होते हुए इस इलाके में ये वैश्यालय सेफ है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो एक टीवी रिपोर्टर थॉप को। थॉप अर्ल से मिलकर कहता है कि वो इस चिकन रेंच वैश्यालय को एक्सपोज कर देगा। अर्ल कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बाद में अर्ल थॉप के ऑफिस में जाता है। यहाँ थॉप अपना शो दिखाता है। वो स्टेज पर अनाउंस करता है कि वो चिकन रेंच वैश्यालय को एक्सपोज करेगा। वो यहाँ कहता है कि अर्ल ने बहुत बड़ी गड़बड़ की है। वो मिस मोना का प्रेमी है और साथ ही उसने इस वैश्यालय को संग्रहण में लिया है। अर्ल बाद में मिस मोना से मिलता है। मिस मोना को इन सब बातों से डर नहीं लगता। वो कहती है कि ये गीदड़ भभकी मेरे आगे नहीं चलेगी। वो अर्ल को भी समझाती है कि तुम जैसे ना तैसे इस वैश्यालय को बचा ही लोगे। अब अर्ल बड़ा प्रेशर में है। अर्ल का साथी है फ्रेड। फ्रेड आकर अर्ल से कहता है कि थॉप पब्लिक के बीचों बीच इस वैश्यालय को एक्सपोज कर रहा है, काफ़ी बुरी बातें कर रहा है। अर्ल गुस्से में उसे मारने के लिए निकलता है। यहाँ थॉप और अर्ल में हाथापाई होती है। बेचारा थॉप कुछ कह नहीं पाता। अर्ल के डर से वो पानी में गिर जाता है। इसके बाद थॉप यहाँ से निकलता है और मम्मी मम्मी कहता हुआ घर की तरफ भागता है। पर बात धीरे धीरे इतनी फैल गई कि यहाँ के गवर्नर को हस्तक्षेप करना पड़ा। गवर्नर भी इस वैश्यालय को बंद कराने से डरता है। उसे लगता है कि अगर उसने इसे बंद करा दिया तो उसे वोट नहीं मिलेंगे। वो लोगों का ओपिनियन जानना चाहता है। अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि ये वैश्यालय बंद हो जाए। इस बात पर गवर्नर अर्ल को यह हुक्म देता है कि तुम ये वैश्यालय बंद करा दो। अर्ल मिस मोना से कहता है। मिस मोना अर्ल पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो। तुम एक पुलिस वाले होते हुए भी इस वैश्यालय को बंद होने से रोक नहीं सकते। यहाँ इन दोनों में इतनी गहमागहमी होती है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। कुछ दिनों के लिए मिस मोना ने इस वैश्यालय को बंद कर दिया है। पर छुपके छुपा के कुछ फुटबॉल प्लेयर्स यहाँ आए। मिस मोना ने उन्हें आने की इजाज़त दे दी। फुटबॉल प्लेयर्स यहाँ की लड़कियों के साथ डांस करते हैं और इसके बाद अपने अपने कमरों में जाकर गपागप करते हैं। ये खबर थॉप को लग गई। थॉप अपने साथियों के साथ कैमरा लिए इस महल में घुसा। उसने यहाँ के कमरों में संभोग होते हुए फिल्मिंग कर ली। कई फुटबॉल प्लेयर्स तो ऐसे थे जो अपने पार्टनर के साथ कोकीन लेते हुए गपागप कर रहे थे। अब इस रिपोर्टिंग के बाद मजबूरन इस वैश्यालय को बंद कर दिया गया है। सभी लड़कियाँ यहाँ से गाते हुए विदा लेती हैं। उन्हें तो यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर अब उन्हें यहाँ से जाना पड़ रहा है। कुछ दिनों के बाद मिस मोना ने भी यहाँ से जाने की तैयारी कर ली है। यह महल अब खाली हो रहा है। इतने में अर्ल आकर मिस मोना को मनाता है। मिस मोना भी इस बात को समझती है कि अर्ल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसे बचाने की, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। अर्ल मिस मोना से शादी की रिक्वेस्ट करता है। मोना कहती है कि मैं जब 16 साल की थी तब से तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तभी से तुमसे शादी करना चाहती थी, पर हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि अगर मैंने तुमसे शादी की तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा।
भला एक पुलिस वाला एक वैश्या से शादी कैसे कर सकता है। अल को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मिस मोना के सामान को अपनी गाड़ी में रखता है और मिस मोना को लिए यहाँ से चला जाता है। बैकग्राउंड में फ्रेड की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली और हमेशा खुशी से रहे।